वो किसी का फोन आया था तो दीदी सीधा घर ही निकल गई हैं। बीजी आराम से। अरे ये गहने, घर के कागजात सब बेच, अपने बॉन्ड के पैसे भर और घर आ जा। हम में से किसी ने ऐसा क्या कर दिया बीजी? क्या आपके मन में अपने परिवार की खुशियां बिखरने का डर बैठ गया? बीजी ठीक ही कह रही है, इन्हें वापस ही आ जाना चाहिए। हरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम दो रोटी कम खा लेंगे, छोटे से घर में रह लेंगे, लेकिन इकट्ठे तो रहेंगे ना। मन में ज्योति जगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। मन में ज्योति जगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। रब जी मुझे माफ कर दो, मेरी मत मारी गई थी, अपने ही बच्चों पर शक कर बैठी। मुझे मेरी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा। बीजी अभी तक उठी नहीं? वो तो इतनी देर तक नहीं सोते। मैं देख कर आती हूँ। अगर बीजी सोई होगी ना तो उन्हें सोने देना, उनके लिए मैं बाद में चाय बना लूँ। जी। क्या बीजी अभी तक नहीं उठी? वो तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। शायद बीजी को नींद नहीं आई होगी, चन्नी गई है देखने। दीदी बीजी अंदर कमरे में नहीं है, बाथरूम में होगी। मैंने बाथरूम में भी देखा, वहां पर भी नहीं है। किचन में देखा? हाँ वहाँ भी देखा, किचन में भी नहीं है। मुझे लगता है वो टेरेस पे होगी। मैं अभी ऊपर से ही तो आया हूँ, ऊपर तो नहीं थी। तो फिर बीजी सुबह सुबह कहाँ चली गई? चल चल देख के आते हैं। हाँ मैं चाबी लेके आता हूँ। मैं लेकर आती हूँ, चलनी जल्दी लाना। बीजी अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बीजी कहाँ चली गई थी आप? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी। बीजी मैं और भैया तो आपको ढूंढने ही जा रहे थे। क्यों? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो ग्वाच जाऊंगी? पर हमें चिंता हो रही थी आपकी। आप कभी ऐसे अकेले जाते नहीं हो ना? हाँ जाती तो नहीं हूँ, लेकिन मनाई भी तो नहीं है ना जाने की। बीजी कल जैसा आपका मूड था तो हम लोगों को लगा कि बस बस कल परसों की बात छोड़ दे। तुम लोग जिद करते हो, ऐसी कोई बात करते जो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं थोड़ा चितलाती रहती हूँ। मुझे ही देखते रहोगे या इस लिफाफे को भी देखोगे? मैं ना गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आई हूँ, नरिंदर को बहुत पसंद है ना। चन्नी फाट नाश्ते नाल खावांगे आपा। और वैसे भी कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और जो जलेबी लेकर आए उसे तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन जब मैंने जस्सी की बातें सुनी ना तो मुझे एहसास हुआ जिद मेरी भूल थी। इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अगर हमने बॉन्ड के पैसे भर दिए तो सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा बल्कि तेरी नौकरी का हर्जा भी होगा। उठ सुना, निश्चिंत होकर जा। लेकिन जब तू 6 महीने के बाद वापस आएगा ना तो कभी भी कहीं भी जाने की बात मत कर। वैसे ये तो बड़ी सस्पेंस वाली बात हो गई भी। रात को आप कुछ और कह रहे थे, सुबह कुछ और कह रहे हो, ये एक ही रात में इतना कैसे बदल गए? मैंने ही बदली, लेकिन मेरा ना नजरिया बदल गया। जो भी बदला
अच्छे के लिए बदला। और आज हम सब इकट्ठे चाय पियेंगे और वो भी जलेबी के साथ। हेलो मम्मी। चल तन्नी तू भी आगे आ जा, अंदर आ। अच्छा शाबाश। ओए शाबाश, क्या बात। बीजी शुरुआत आप ही से। लो मेरे हाथ से। बीजी ये लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। बीजी का मूड ठीक हो गया। जस्सी दीदी का चाहे दो दिन के लिए सही, उनका अकेलापन दूर हो गया। अब पप्पू भाई और लवली की तो लाइफ ही सेट हो गई। और तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मेरा? आपने दो दिन के लिए दुकान से छुट्टी जो ले ली। अच्छा, मेरे दुकान पे ना जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं काम करता हूँ, मैं दुकान पे जाना ही बंद कर देता हूँ। फिर मैं हमेशा तुम्हारे सामने ही रहूंगा, मुझे देख के खुश होती रहना। जी नहीं, मुझे आपका इंतजार करना भी अच्छा लगता है। बड़ी पत्थर दिल बीवी हो यार तुम तो। मैं तो ऐसी ही हूँ। पप्पू भाई और लवली को देख कर ना आज मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया। किस बात पर? यही कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। और ये सच्चा प्यार क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? उसकी हर कमी के साथ उसकी हर गलती को माफ कर देना, दिल से हमेशा के लिए अपना लेना और उसे अपने जीने की वजह बना लेना, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। चन्नी, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दूंगी, पर एक शर्त है। वो क्या? मेरी जगह कभी भी किसी को मत देना। आपके दिल में, आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूं। जीती ऐसे क्यों बैठी है, क्या सोच रही है? मुझे क्या सोचना है, सोचने के लिए बच्चा ही क्या है। मेरी सारी सोच तो धरी की धरी रह गई है। ना भाई, अभी तो तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बहू आने वाली है, तू सास बनने वाली है। और सास का मतलब होता है कि अपनी बहू के ऊपर उसकी मर्जी चले। यहाँ तो मेरी मर्जी चली ही नहीं। नहीं जीती, अपना पप्पू तो खुश है ना। दो दिन में कितना कुछ हो गया। हाँ, और कल सुबह आप वापस भी चले जाओगे। बस 6 महीने और जैसे लाओ, उसके बाद हमें ये अकेलापन नहीं सताएगा। 6 महीने सुनने में भी कितने ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो 180 दिन और भी ज्यादा। इंतजार का वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। जी नहीं, बल्कि इंतजार में हर दिन बहुत लंबा लगता है। और रातें? करवटें बदलते बीत जाती है। ऐसे ना बोल जैसी, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। जाना तो पड़ेगा ही, अगर आप जाओगे नहीं तो हमेशा के लिए वापस कैसे आओगे? कल वरिंदर और चन्नी मुझे अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, तू क्यों नहीं चलना चाहती? क्योंकि मैं आपको जाते हुए देख नहीं पाऊंगी, पर जब भी आप वापस आओगे ना तो एयरपोर्ट पे लेने मैं ही आऊंगी। प्रॉमिस। क्यों, अपनी जस्सी पर भरोसा नहीं है? है, खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर
टाइम ऐसे निकल जाएगा, आप चिंता ना करो। पता ही नहीं चलता आगे आपका निकल। अच्छा बीजी, चलो भाई जाने का वक्त हो गया। भैया आपका ये आना ना मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। थैंक यू भैया, आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। चाची जी, 6 महीने में मैं वापस आ रहा हूँ, तब तक आप इन दोनों की शादी की डेट फिक्स करवा दीजिएगा, फिर मेरे आते ही शादी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा वरिंदर, जब तक मैं वापस आऊँगा तो दूसरी दुकान फाइनलाइज करके रखना, फिर मेरे आते ही पेमेंट की फॉर्मेलिटी करेंगे और दुकान शुरू करेंगे। भैया आपने कह दिया तो समझो हो गया बस। नरेंद्र, इस बार ना तेरा जाना मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे भी बीजी। तू लौटने के लिए जा रहा है ना? जी जी। मैं रो के विदा नहीं करूंगी, हंसते हंसते विदा करूंगी। बीजी। अरे बना बीजी। चाची चलो। खुश रहो। चल बाबू। अच्छा भैया फिर मिलते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा है पर जाना होगा, इस बार बस यूं गया और यूं आया। मैं इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी। भैया आए और गए पता ही नहीं चला ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं जैसे दीदी की जगह पर होती तो मैं अकेलापन कभी झेल ही ना पाते। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर जाता ही नहीं, और आइंदा से अपने आप को किसी और की जगह पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। और तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं क्या? आपने अच्छा किया जो जस्सी दीदी को मैसेज कर दिया कि हम लोग खाना खा के आएंगे, वरना वो तो हमारे इंतजार में भूखी ही बैठी रहती। एनीवेज तुम क्या लो? जो आपका दिल करे आप ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होकर आई। Excuse me. एक चिकन टिक्का। हाय वरिंदर। हाय। बस और कुछ नहीं कहोगे? कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, खुश हूँ, पर एक सवाल के जवाब का आज भी इंतजार है मुझे। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो सवाल कैसे? रिश्ता टूटने की वजह भी तो एक सवाल ही था ना। पर वो सवाल सवाल की तरह नहीं पूछा गया था, इल्जाम लगाया गया था। जवाब तो मुझे आज भी चाहिए। कौन थी वो? परिंदर, ये कौन? मैंने आपको कहीं देखा है, आप निम्मी है ना?
कौन है ये? इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? शीश चन्नी, माय वाइफ। ओह, तो ये है वो चन्नी, तुम्हारी जस्सी भाभी की कजन। इसी को ले गए थे अबॉर्शन कराने के लिए, तभी तो इधर शादी टूटी और उधर तुमने बिना टाइम वेस्ट किए इसके साथ शादी कर ली। आप सवाल पूछ रहे हो या इल्जाम लगा रहे हो? दोनों। किस हक से? हमारी शादी होने वाली थी, 20 दिन का रिश्ता था हमारा। 6 महीने पहले हमारी शादी हो चुकी है, अब जिंदगी भर का साथ है हम दोनों का। चले। क्या हुआ? कुछ नहीं। बातें तो तुम्हारे बीच में बहुत लंबी चल रही थी। हाँ, कुछ सवाल उसने किए तो कुछ मैंने। मिला कोई जवाब? हाँ, सवाल का जवाब सवाल में ही मिला। झूठा इंसान साफ साफ जवाब दे भी क्या पाएगा? माना वरिंदर झूठा है, पर मुझे उसे अपनी सफाई देने का एक बार तो मौका देना चाहिए था ना। निम्मी, ये अचानक तुम्हारा एटीट्यूड वरिंदर की तरफ बदल क्यों गया? मेरा एटीट्यूड नहीं बदला है। हाँ, वरिंदर को मिलके जो थोड़ा गुस्सा था उसके लिए कम हो गया। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। एग्जैक्टली, मैं तो शुरू से यही कह रही थी। वैसे निम्मी, वो लड़की कौन थी उसके साथ? चन्नी, उसकी वाइफ। ओह, आई सी। तो ये वही लड़की थी जिसके साथ अपना झूठ छुपाने के लिए उसने रातों रात फेरे लिए? Now I know. क्लिनिक में नहीं बुआ, मुझे नहीं लगता कि चन्नी वो लड़की है। तुम उसे एक मिनट मिली निमी और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हो? हाँ बुआ, उसकी आंखों में सच्चाई देखी है मैंने, वरिंदर के लिए प्यार देखा है। जस्ट स्टॉप दिस निमी, उसकी आंखों में वरिंदर के लिए प्यार है या नहीं ये तुम्हें कैसे दिख गया? क्योंकि वही प्यार कुछ दिनों तक मेरी आंखों में था वरिंदर के लिए। हाँ, और बीती बातों में अपने आप को उलझाओ मत। यू मूव्ड ऑन और अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है। आई नो, और मैं बहुत खुश भी हूँ। बस बीता हुआ कल सामने आ गया तो कुछ बीती हुई यादें भी आ गई। क्या भूख लगी है? पर वरिंदर का तो मैसेज आया था कि तुम दोनों खाना खा के आओगे। हाँ दीदी, ऑर्डर पे किया था पर खाया नहीं। पर क्यों? साफ साफ बता ना। बीजी, वहां पर निम्मी मिल गई थी। हाँ, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि घर में किसी को बताना मत कि निम्मी मिली थी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जब मैंने उन्हें बताया था ना तो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, पर आई एम श्योर उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो बताने की क्या जरूरत थी? तो छुपाने की भी क्या जरूरत थी? आपने मुझे मना थोड़ी ना किया था बताने के लिए, अब मना कर रहे हो। पर चन्नी, तुम्हें खुद समझ होनी चाहिए ना। इसमें समझ और ना समझी की कौन सी बात थी? अगर आप चाहते थे मैं किसी को कुछ ना कहूं तो आप मुझे रास्ते में भी तो मना कर सकते थे ना। घर आकर मैं खाना खाने लग गई तो जस्सी दीदी ने सीधा यही पूछा कि तुम लोग तो खाना खा के आने वाले थे, फिर तो फिर मैं क्या कहती? अरे कुछ भी बहाना बना देती, कुछ भी कह देती चन्नी। हाँ, मैंने उन्हें जरूर बताया कि हम लोग निम्मी से मिले थे, पर मैंने ये नहीं बताया कि उसने हमसे क्या सवाल किया था। अगर वो बताती ना तो शायद बीजी और जस्सी दीदी को जरूर बुरा लगता। आज जब निम्मी अचानक से सामने आ गई तो मुझे वो हर बात याद आ गई जिसे मैं भूल जाना चाहता था। मैंने चन्नी को मना किया था कि वो ये बात किसी को ना बताए,
मुझे पता था कि तू ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं उसे बोल पाता उसने सब कुछ बता दिया। सब कुछ नहीं, उसने तो बस यही कहा कि आज निम्मी मिली थी। ये तो मैं जानना चाहती हूं कि निम्मी ने तुझसे क्या कहा। उसने पूछा कि मैंने उसे फोन करके सफाई क्यों नहीं दी, और फिर जब उसने चन्नी को देखा तो पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसका बॉस। चन्नी तो घबरा गई होगी। पता नहीं, लेकिन उसने सारी बात को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। मैं जानती थी कि चन्नी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। खैर, आज तो निमी अचानक मिले, लेकिन फिर कभी दिखे ना तो उसे अनदेखा कर देना। जो अतीत परेशान करे उसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपका अतीत अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसे नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। तू खामा खा इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्या तू इस बात को इग्नोर कर पा रही है? चल छोड़, इस बात को ये खत्म कर। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जब निम्मी के साथ मेरा रिश्ता टूटा, और जिस तरह से टूटा, मुझे बहुत बुरा लगा था, और ये भी लगा था कि चन्नी को जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाया जा रहा है। पर मैं गलत था भाभी, आज चन्नी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, अधूरा हूं मैं उसके बिना। जब निम्मी के साथ 20 दिन का रिश्ता जुड़ा था और जुड़ते जुड़ते टूट गया था, चन्नी के आने के बाद मैंने उसे कभी याद नहीं किया, क्योंकि चन्नी मेरा आज है और निम्मी और उसके लगाए हुए इल्जाम मेरा बीता हुआ कल। तो छोड़ ना, जाने दे, जो बीत गया उसके बारे में बार बार बात क्यों करना? मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा डर गया। किस बात से? यही कि कहीं मेरा बीता हुआ कल मेरे आज और आने वाले कल पे हावी ना हो जाए। अब कौन आ गया? देख तो जी। जी, ये फूल और ये लेटर निम्मी दीदी ने चन्नी मैडम के लिए भेजा है। दीजिए। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उनके हाथ में ही दो। मैं ही चन्नी हूँ, निम्मी मैडम को थैंक यू कहना। जस्सी, कौन था? अरे वाह, इतने अच्छे फूल बीजी, और साथ में कार्ड भी है। पक्का ये मिस यू कार्ड होगा, जीजा जी ने भेजा है ना? नहीं चन्नी, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए?
मुझे ये सब कोई क्यों भेजेगा? हाँ जसी, चन्नी नू किने भेजी है चिट्ठी? निम्मी ने। निम्मी ने? पर मैं तो कहती हूँ ऐसी चिट्ठी पढ़ने का क्या फायदा है, इसे तो बिना पढ़े फाड़ देना चाहिए। नहीं दीदी, ये लेटर निम्मी ने मुझे लिखा, मैं इसे एक बार पढ़ना चाहती हूँ। पर क्यों चन्नी, क्या जरूरत है? निम्मी से कोई अच्छी बात की उम्मीद तो की नहीं जा सकती, तू खुद उससे मिली है ना, उसकी बातें सुनी है, फिर भी तुझे पढ़नी है? सुन चुकी हूँ, पर मैं देखना चाहती हूँ कि उसने लिखा क्या है। ये देखो, आप लोग ऐसे ही बिना बात का टेंशन ले रहे थे, निम्मी ने कल के अपने बिहेवियर के लिए सॉरी लिखा। कभी कभी इंसान अपने किए पर भी शर्मिंदा हो जाता है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे थे? आपको क्या लगा था कि इस लेटर में क्या लिखा होगा? मुझे लगा कि उसने फिर से वरिंदर पर कोई इल्जाम लगाया। अगर लगाया भी होता तो क्या फर्क पड़ता? मैं विश्वास कर लेती। नहीं दीदी, अभी बस भी करो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम दोनों बहनों को। थैंक यू। ले, एनु भी होने ही वजना से। रानी? हाँ रानी, क्या हुआ? रानी तो रो क्यों रही है, पता बात क्या है? क्या जी? आराम से। रानी, रानी, मधु कहाँ? उन्हें तो डॉक्टर्स अंदर ले गए, मधु दीदी ने नींद की गोलियां खा ली थी। जब मैं उनके घर उनसे मिलने पहुंची थी ना, तो उनके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, तो मैं भी उसी में बैठ के उनके साथ आ गई। मधु का पति कहाँ है? वो तो मधु दीदी को हॉस्पिटल छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। पता है बीजी, उनके घर में जो मेहमान आई हुई थी ना डॉली, वो तो सामान लेके भाग के गई, तो कुछ समझ ही नहीं आया। भाभी, वरिंदर अच्छा हुआ तू आ गया, जा जरा डॉक्टर से बात कर, पूछ उन्हें कि मधु कैसी है, क्या हाल है उसका। कहाँ है? रानी, वो जब मधु दीदी को हॉस्पिटल ला रहे थे तो वो होश में थी? नहीं, आंखें तो बंद ही थी पर कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या? तलाक के कागज, मैं साइन नहीं करूंगी, यानी ये सब कुछ बोल रही थी। ऐसा क्यों होता? क्या? ये जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वही हो जाता। निमी से सॉरी की उम्मीद नहीं थी, मधु दीदी से सुसाइड की। मधु दीदी के पति ने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे ना? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? है, कभी कभी डरे हुए मन को भी तसल्ली देनी पड़ती है ना। आप हमारे बीच में कभी किसी तीसरे को तो नहीं आने देंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता ना। ऐसी ही है जिंदगी, जो पल पल रंग बदलती है। हाँ, और इस बदलते रंग के साथ रिश्ते भी बदल जाते। शायद उन आधे अधूरे रिश्तों का नाम ही जिंदगी। जब नरेंद्र के बाबूजी इस दुनिया से गए थे
तो मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं थी। नरेंद्र वरिंदर बहुत छोटे छोटे थे, मैंने ना अपने बच्चों को ही अपने जीने की वजह बना ली। मेरे बच्चों ने मेरी जिंदगी का खालीपन दूर कर दिया। हाँ बीजी, अगर वो खालीपन कोई ना भरे ना तो इंसान अकेला हो जाता है, बहुत अकेला। और वो अकेलापन अंदर ही आता है, इंसान को खाली कर देता है। जैसी जैसी जा, तू कपड़े बदल के ना हॉस्पिटल जा। ठीक है। बेचारी जैसी ना मधु की हालत देख के घबरा गई है, कल्लेपन से घबरा कर रात को मेरे कमरे में आई थी, बातें करते करते वही सो गई। अच्छा, ये जो घटिया कारनामा मधु के पति ने किया है ना, ये वाकई नाराजगी के लायक है। एक मेरा नरेंद्र है, दूर बैठ के ही जस्सी का कितना ध्यान रखता है, और एक ये बंदा है, रब ना इसे कभी माफ नहीं करे। शादी के वक्त जो कस्में खाई जाती है ना, वो सिर्फ कस्में नहीं होती, पति पत्नी का आपसी विश्वास होता है। अगर ये विश्वास टूट जाए तो रिश्ते बेमायने हो जाते हैं, और विश्वास टूटने पे जो दर्द होता है ना, वो सबसे गहरा दर्द होता है। अरे क्यों छुपाऊंगी मैं तुझसे कुछ, जब कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं है तो बताती क्यों नहीं कि ये कौन है, कहां से आई है? जब मैं तेरे घर के बारे में नहीं पूछती कि कौन आया कौन गया, तो तू क्यों पूछ रही है? अगर मैं तेरी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे हेल्प, क्यों पीछे पड़ी है मेरे? मैंने कहा ना तू जा यहां से। चलें। तू रो रही है? नहीं तो चलें, देर हो रही है। तुझे देर हो रही तो तू चला जा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। पर क्यों भाभी, मेरे दुकान के रास्ते में ही तो पड़ता है हॉस्पिटल। क्या सोच रही है? रिलैक्स, अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया ना कि मधु भाभी खतरे से एकदम बाहर है, फिर भी? हाँ, जान तो बच गई उसके, पर उसकी जीने की इच्छा तो मर चुकी है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहां जाके उसे कहूंगी क्या। कहना क्या है, डांटना और पूछना कि उन्होंने ऐसा स्टूपिड कदम क्यों उठाया। जो इंसान पहले से डरा हो तो उसे क्या डांटना और क्या सवाल पूछना, उसे तो बस जवाब चाहिए। जब इंसान की हिम्मत टूट जाती है ना वरिंदर, उसे कुछ नहीं सोचता। सच कहूं तो कल रात मैं खुद भी बहुत डर गई थी। लगा था कि मैंने मधु को हमेशा के लिए खो दिया। कौन जानता है वरिंदर, किसी की मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है वो दर्द कब जानलेवा बन जाए। अगर मधु को कुछ हो जाता तो प्लीज भाभी, संभाल अपने आप को, और जो कुछ हुआ ही नहीं है
उसके बारे में सोच के क्यों परेशान होना? डरा हुआ मन परेशान होने के अलावा कर भी क्या सकता? देर हो रही, क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? चलना है पर क्या भाभी, ऐसे खुद ही परेशान रहेगी तो मधु भाभी को क्या हिम्मत देगी? हरिंदर तू कितना बदल गया है ना। क्या मतलब? तू कहे या ना कहे पर मैं सब जानती हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। ये जो भी कुछ हुआ उसे तुझे भी बहुत तकलीफ हुई है ना, तू भी घबरा गया है ना। हाँ घबरा तो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तेरी लगती क्या हूं जो इतना परेशान हो रहे हो। इस दुनिया में तो कितने लोग मरते हैं ना रोज, कोई बीमार होकर, एक्सीडेंट में, और कोई तो नींद की गोलियां खाकर। बहुत हिम्मत वाली समझती ना तू अपने आप को, पर एक नंबर की कायर है। हालात से घबरा गई और सोच लिया कि मर ही जाती हो, मुश्किलों का सामना कौन करेगा, एक ही बार में सारा स्यापा खत्म। पर बहुत दुख हुआ होगा तुझे, तेरी जान जो बच गई। अभी भी चुप रहेगी या कुछ बोलेगी? क्या बोलू? वही जो छुपाती आई आज तक, पर क्या बताती कि मेरा घर बिखर रहा है, मेरे रिश्ते बिखर रहे, मेरा पति मेरे ही घर में मेरी आंखों के सामने मेरे ही बेडरूम में हाथ उठाता था मुझ पर, शरीर ऊपर से दिखने वाले घाव तो सह लेती थी, दर्द भी सह लेती थी, पर जो घाव अंदर थे ना बस वही नहीं सह पाए। पर देख किस्मत भी कितनी बुरी है जो मौत भी नहीं आई। किस्मत से हारते नहीं है, उससे लड़ते हैं। और अगर मधु लड़ना भी नहीं था तो मायके चले जाते, पर नहीं, तूने तो इस दुनिया से जाने की सोच ली थी। और वैसे भी हम लड़कियों को तो यही सिखाते हैं ना शादी के वक्त कि इस घर से तेरी डोली उठ रही है उस घर से अर्थी उठनी चाहिए। तो बस भाई कोशिश कर रही थी। किसी किसी के हिस्से में आधे अधूरे सपने आते हैं तो किसी के हिस्से में आधे अधूरे रिश्ते, और उन्हीं आधे अधूरे रिश्तों को झेलना भी पड़ता है और मर मर के जीना भी। बस बिल्कुल चुप। मेरी मधु अब मरने की बात नहीं करेगी, सिर्फ जीने की बात करेगी। अगर जाने के लिए ही मेरे पास आना था तो आया ही क्यों था? प्लीज भाभी समझ, मैं और डर डर के नहीं जी सकता। अपने डर को ना बहाना मत बना। जो सच है वो बोल रहा हूं। ये सच है तो हमारा रिश्ता क्या था वरिंदर? चन्नी, चन्नी क्या हुआ?
What happened? चन्नी तुम ठीक हो? Help, waiter.